हेलो एवरीबॉडी, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हमने डे थ्री में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और एग्जांपल्स में हमने रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन पर हमने लोकेट किया था। ठीक है, तो एक कल के दिन से ही एक फैक्ट था जो इस बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा इस बार। तो अगर आप किसी रूट एन चाहे कोई से बड़ा रूट का नंबर हो उसे लोकेट करना चाहते हो तो वो लोकेट तभी होगा नंबर रियल नंबर लाइन पर अगर आपने रूट एन माइनस वन को लोकेट कर दिया होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको रूट टू को लोकेट करना था उससे पहले आपको रूट एन माइनस वन यानी टू माइनस वन यानी रूट वन यानी वन को लोकेट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही था कल का फैक्ट जो अभी थोड़ा सा रिवाइज करना था। कल अच्छी तरह समझाया था मैंने, कल की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज है डे फोर, तो आगे की बात शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 आज लेंगे। सबसे पहला है ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई करना आंसर को। सबसे पहला कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये आपका ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपके इरेशनल नंबर्स है वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। रियल नंबर्स आपका, अगर ये समझ लो, अगर ये रियल नंबर है आपके, रियल नंबर आपके, ठीक है, तो रियल नंबर मान लो ये है आपके। ठीक है, तो रियल नंबर्स ऐसे समझो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर आई नहीं हम ले सकते हैं यहाँ पे क्यू प्राइम। ठीक है, आप इसे इरेशनल नंबर का नोटेशन मान लेना। ठीक है, तो इन सभी अगर पांच नंबर को अगर आप इकट्ठा कर दो तो रियल नंबर्स बनता है। तो ऑब्वियस है जो आपके इरेशनल नंबर है वो आपके रियल नंबर होंगे, कॉमन सेंस, तो ये ट्रू हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है आपका कि एवरी पॉइंट। ठीक है, अब एवरी है तो मतलब टोटल। ठीक है, जो भी नंबर लाइन अभी कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। अभी कह रहा है कोई नंबर लाइन है उसमें जितने भी नंबर होते हैं, जैसे ये नंबर्स हो गए, तो ये जो नंबर्स आपके रूट एम की फॉर्म में होंगे जहाँ पे एम आपका नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1, 2, इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? अब देखो, इसने सभी रूट के अंदर की बात कर दी ना, तो मैं आपको बता दूँ रूट टू और रूट थ्री जब आएगा ना, जैसे ये मान लो ये रूट वन हो गया, ये रूट टू, ये रूट थ्री, तो इन दोनों के बीच में आपको इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हो? इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिल जाएंगे आपको इन दोनों के बीच में ही। ठीक है, तो आप इसके जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? सबसे पहली बात ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन में लिखोगे देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन काफ़ी है इसके लिए। अब थर्ड कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो पहला तो ट्रू था, ये फॉल्स होगा, ये सेम उसका अपोजिट है। क्यों? क्योंकि रियल, अभी कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इरेशनल होते हैं। नहीं, रियल नंबर्स तो ये सारे होते हैं, तो इसका मतलब इसमें आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन वन। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, सबसे पहले मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है आपका आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, मतलब वन टू थ्री से लेके इनफाइनाइट, तो जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल, तो कह रहा है कि अगर नहीं है ऐसा तो एग्जांपल दो, खेल खत्म, और उसे रैशनल नंबर दिखा दो जो एग्जांपल दोगे। तो अगर हम ले तो रूट वन होता है पहला, फिर होता है रूट टू, ठीक है, फिर रूट थ्री। अब रूट टू और रूट थ्री तो आपके क्या हो गए? इरेशनल हो गए। ठीक है, इसकी बात सही हो गई। लेकिन जब हम रूट फोर पर पहुँचते हैं ना, तो ये मिलता है हमें टू, और टू अपॉन वन करके हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? रैशनल। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ये नहीं है और रैशनल नंबर आप एग्जांपल में दिखा देना रूट फोर, रूट फोर आपका एक रैशनल नंबर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं।
अब नंबर लाइन पे शो करना है या लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है आपको रूट फाइव को। तो एक नंबर लाइन बनाई और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको रूट फाइव को लोकेट करना है तो उससे पहले आपको रूट फाइव माइनस वन को लोकेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है आपका टू होता है, तो पहले इसे लोकेट कर दो, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी उसमें मैंने बताया था पहले टू को लोकेट करते हैं, फिर आप आगे बता दो क्या बताया था। ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, तो टू को लोकेट करो, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये टू को लोकेट किया, ठीक है, नंबर ज़ीरो से मान लो इसे, टू को लोकेट किया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या बताया था कि लोकेट करने के बाद ट्रायंगल बनाना है आपको, ठीक है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनाना है? जिसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकें, ठीक है। पाइथागोरस की थ्योरम आपको बताई हुई थी मैंने, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज कहाँ पहुँच गए, हाइपोटेन्यूज पे हमें क्या लाना है, रूट फाइव लाना है। मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, अरे सही से बन जाता ये, ठीक है। रूट फाइव दिखाना है यहाँ पे हमें। तो अगर मान ये तो टू मिल गया आपको, हमने सबसे पहली कंडीशन थी इसको लोकेट करना, फिर उसके बाद हमें ट्रायंगल बनाना था जिसके हाइपोटेन्यूज पे हमें रूट फाइव लाना था, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, ठीक है। अब हम देखो यहाँ हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे तो हमें रूट फाइव मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि पाइथागोरस की जो आपकी थ्योरम थी वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम इधर से निकालें अगर, तो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, मान लेते हैं एच, लिख देता हूँ मैं इधर एच का स्क्वायर। और जब स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे तो रूट स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट फाइव। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसके बाद हो गया काम, देखो, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया, आप समझ गए ना रूट फाइव तक पहुँचना है आपको। बस इसके बाद आपने कंपस का यूज़ करना है, यहाँ से यहाँ तक वो करनी है लेंथ मेजर करके, वही यहाँ पे आपको पेंसिल की नोक रखनी है और बस आर्क बना देना, और क्या, जहाँ पे नंबर, जहाँ नंबर लाइन पे जहाँ पढ़ा है समझ लो वहाँ पे रूट फाइव है आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन फोर देखे तो एक क्लासरूम एक्टिविटी आप खुद ही पढ़ लेना ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में हम क्या डिस्कस करने वाले, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छी तरह समझ आई हो। अगर कोई डाउट रह जाता है तब भी, तो आपको कहाँ जाना है, टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम क्वेश्चन पूछने के लिए एक अलग ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें क्वेश्चन डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी आंसर देने की, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।